ओम शांति। आज की तारीख है 11/9/22 और आज हम सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त धारी अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 8/4/92 यानी 92 की मुरली है और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। बाबा से प्यार है तो बाबा के समान बनना माना अव्यक्त फरिश्ता बनना। मीठे मीठे बाप दादा बोले कि आज बेहद का बाप अपनी आदि श्रेष्ठ डायरेक्ट रचना को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट शिववंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो, ब्राह्मण आत्माएं आदि देव की आदि रचना हो, इसलिए कल्प वृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखाए गए हैं। तो अपना स्थान देखा है ना, तो वृक्ष में आप आदि रचना बीज के समीप जड़ में दिखाए गए हो, इसलिए डायरेक्ट रचना हो। अन्य आत्माएं डायरेक्ट माता पिता अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माता अर्थात डायरेक्ट परमात्म रचना नहीं है, आप डायरेक्ट माता पिता की रचना हो। तो फर्क है ना, आप आदि रचना और अन्य धर्मात्माओं की रचना दोनों में अंतर है। आप परमात्मा रचना अपने रचता कौन, माता पिता शिव पिता ब्रह्मा माता दोनों को अच्छी तरह से जानते हो। अन्य धर्म की आत्माएं आप तना से निकली हैं, अन्य धर्म की आत्माएं बाद में निकली हैं, आप जड़ भी हो और तना भी हो, आप जड़ में भी हो और तना में भी हो, ब्राह्मण रूप में वृक्ष की जड़ में हो और देवता रूप में वृक्ष की तना हो, और सभी धर्म आप तना से निकलते हैं। तो आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है, डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है, माना कितनी ऊंची नशे की बात है, उनों का डायरेक्ट संबंध है और आपका डायरेक्ट है। आप सभी रूहानी नशे से कहेंगे, क्या कहेंगे कि हम परमात्मा की संतान है। अच्छा, याद प्यार देते हुए बाप दादा बोले चारों ओर के आदि पिता की आदि रचना डायरेक्ट रचना श्रेष्ठ आत्माएं सर्व जीवन मुक्त का वर्षा अनेक जन्म प्राप्त करने वाली आत्माएं सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता आत्मा बनने वाली अधिकारी आत्मा सदा प्लेन बुद्धि बन सेवा के प्लेन में सफलता प्राप्त करने वाली आत्मा बाप से सच्चा स्नेह और सच्चा प्यार निभाने वाली समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे सतगुरु बाबा का वरदान। तो वरदान है कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं यथार्थ व सच्चा योगी वो है जो अपनी बुद्धि को एक सेकंड में जहाँ और जब लगाना चाहे वहाँ वो लगा सके। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल भी तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाना, ये है याद की शक्ति। कितनी भी व्यर्थ संकल्पों के तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए, ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी भी ये संकल्प नहीं लाएंगी कि चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है। स्लोगन है योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न प्रूफ बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।